ये उड़ती जुल्फें और ये बिखरी मुस्कान एक से संभलूं तो दूसरी नजर उड़ा देती है। ये शब्द शब्द नहीं बल्कि कुछ ऐसा ही नजारा था बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक 2024 का, जिसमें तमाम बॉलीवुड की टीवी सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी चकाचौंध की दुनिया में, जहां का नजारा देखकर आप सभी कह उठेंगे, आंखों में तेरी कोई जादू जरूर है, जो भी देख ले वो लड़खड़ाता जरूर है। मुंबई में चल रहे बॉम्बे फैशन वीक में कई सेलेब्स हिस्सा ले रहे हैं। 3 से 5 मई तक चलने वाले शो में अब तक सुष्मिता सेन, मृणाल ठाकुर, करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा, शनाया कपूर, शिल्पा शेट्टी, अवनीत कौर, दलेर मेहंदी, श्रिया सरन और अलाया एफ जैसे सेलेब्स ने रैंप वॉक किया। सबसे पहले डालते हैं नजर सुष्मिता सेन पर। पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने फैशन डिजाइनर सीमा सिंह के लिए रैंप वॉक किया। इस दौरान सुष्मिता सेन का ब्राइडल लुक सामने आया है। एक्ट्रेस गोल्डन लुक के साथ रैंप पर वॉक करती नजर आई। एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर डिजाइनर अनु पेलाकुरु की शो स्टॉपर रही। इस शो के लिए मृणाल ने हेवी एम्ब्रॉयडर्ड पिंक लहंगे के साथ गले में नेकलेस कैरी किया। वहीं शिल्पा शेट्टी की बात की जाए तो उन्होंने गोल्डन साड़ी में रैंप वॉक किया। उन्होंने डिजाइनर आशा जैन का डिजाइनिंग कलेक्शन इताशा शोकेस किया। मलाइका अरोड़ा ने भी रैंप पर अपने जलवे बिखेरे। वो डिजाइनर अर्चना कोचर के लिए रैंप पर उतरी। एक्ट्रेस ने सिल्वर व्हाइट कलर का लहंगा पहना। डीप क्लीवेज ब्लाउज के साथ उन्होंने सितारों से जड़ा लहंगा पहना। हाथों में मैचिंग हैंडबैग, बालों में पोनी बनाए मल्ला बेहद प्यारी लगी। गले में सिंपल नेकलेस पहन एक्ट्रेस ने लुक कम्प्लीट किया। अलाया एफ ने फैशन डिजाइनर ऋषि और विभूति की कलेक्शन के लिए रैंप वॉक की। कलरफुल प्रिंटेड टॉप के साथ पैंट्स पहनी। उनके आउटफिट में स्ट्राइप्स भी लगे थे, जो एक्ट्रेस को एक डिफरेंट लुक दे रही थी। लुक को सिंपल रखते हुए कानों में इयररिंग्स और बालों को खुला छोड़ अलाया बेहद गॉर्जियस नजर आई। इस शो में शनाया कपूर भी नीता लूला की कलेक्शन के लिए रैंप पर अपना जलवा बिखेरने आई। शनाया ने फैशन शो में पहले दिन सिल्वर हाई स्लिट सीक्विन गाउन वेयर किया। मैचिंग हाई हील्स, डार्क मेकअप और बालों को खुला छोड़ एक्ट्रेस ने अपना लुक कंप्लीट किया। इसके अलावा श्रिया ने डिजाइनर अनु पेलाकुरु के आउटफिट्स में रैंप वॉक भी किया। एक्ट्रेस अवनीत कौर डिजाइनर दीप्ति की शो स्टॉपर रही। उन्होंने नेवी ब्लू कलर का लहंगा और इंडो वेस्टर्न टॉप पहना हुआ था। करिश्मा कपूर ने डिजाइनर वर्षा और ऋतु का कलेक्शन शोकेस किया। वो उनकी शो स्टॉपर रही। बॉलीवुड डीवा अमायरा दस्तूर रिफ्स परफ्यूम्स के लिए स्टेज पर उतरी। इस दौरान उन्होंने ब्लैक कलर का स्ट्रैपी गाउन पहना हुआ था। देखा जाए तो इस फैशन शो में एक से बढ़कर एक कलेक्शन देखने को मिला, और सितारे ऐसे ड्रेसेस पहनकर खुद रैंप वॉक करते हैं तो इनकी खूबसूरती तो अपने आप ही बढ़ जाती है ना। फिलहाल बॉलीवुड हसीनाओं के अलावा कई टीवी सेलेब्स और इन्फ्लुएंसर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया है। इस शो में टीवी एक्ट्रेस प्रियंका चहर चौधरी बनी शो स्टॉपर। उन्होंने कियाओ के लिए फैशन शो में हिस्सा लिया। प्रियंका ने मल्टी कलर्ड शॉर्ट्स और शॉर्ट जैकेट पहना हुआ था। वहीं इंटरनेट सेंसेशन मनीषा रानी ने भी इसमें हिस्सा लिया, जिसमें वो एक बॉडीकॉन शिमरी गाउन में नजर आई। खास बात यह है कि ये गाउन आम गाउन से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इसमें हुड लगा हुआ था। इन्फ्लुएंसर मनीषा रानी ने न सिर्फ रैंप वॉक की बल्कि पैपराजी को भी जमकर पोजेस दिए। इस फैशन शो में बिग बॉस फेम ईशा मालविया वॉक द रैंप फॉर रूपाली अडानी फाइन ज्वेलरी। तो देखा आपने, जितना बड़ा शो उतने बड़े सितारे, सब एक से बढ़कर एक।
वैसे इन सब में जो सबसे ज्यादा गॉर्जियस लगी वो आई गेस थी सुष्मिता से, जिनका ब्राइडल लुक सब पर भारी पड़ गया। वहीं हमारी सभी यंग एक्ट्रेसेस तो क्या ही कहने, शनाया से लेकर अलाया तक सब एक दूसरे को टक्कर देने के लिए तैयार थे। तो इन सब में आपका कौन सा फेवरेट लुक है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिएगा श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।